हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे आधार और सिम कार्ड का संबंध काफी पुराना हो गया है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी साथ ही साथ आधार एक साथ मिलकर एक नया फीचर्स ऐसा लाने वाला है। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में होता था पहले, और आज के डेट में ये अपडेट आ जाने के बाद अब अपना स्मार्टफोन के अंदर ही कौन सा वो अपडेट है, किस तरह से वो अपडेट काम करेगा, फुल डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। जिस तरह से डिजिटल स्कैम का घटना बढ़ते जा रहा है, डिजिटल होने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज तरह से बढ़ रहा है, कुछ इसी तरह से ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत जोरों से बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आज के डेट में लगातार हम लोग बहुत सारा फोन रिसीव करते हैं, किसी बैंक से, किसी इंश्योरेंस कंपनी से, किसी कंपनी का ऑफर, या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, या आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है। इस टाइम में कुछ इसी तरह से ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत जोरों से बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए बहुत ही बड़ा प्रयास चलाने का कोशिश किया जा रहा है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी साथ ही साथ आधार दोनों एक साथ मिलके कुछ इस तरह का अपडेट लाने जा रहा है, जो काम पहले साइबर एक्सपर्ट का ऑफिस में होता था वही काम आपका मोबाइल में ही हो जाएगा। रेगुलर जो हम लोगों के पास फोन आता है, डेली जो हम लोग फोन अटेंड करते हैं, उनमें हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत लोग कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए एग्जैक्ट पता करने का कोशिश करता है, ठीक है, कि ये पर्सन कौन आपको कॉल किया है, क्या नंबर जेन्युइन है कि नहीं है, क्या नाम है, कुछ इसी तरह से आपको दिखाया जाता है। बट अगर आप ट्रू कॉलर में मेरा नंबर सर्च करके देखिएगा तो वहां पे मेरा नंबर जेन्युइन है, क्योंकि मैं भी जेन्युइन हूँ। मेरा नंबर भी शो होगा, मेरा मेल आईडी शो होगा, साथ ही साथ मेरा ऑल डिटेल्स शो होगा, तो उस टाइम में आपको पता चल जाएगा कि जेन्युइन है। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट लाने जा रहा है आधार और ट्राई, इसमें आपको एग्जैक्ट पता चलेगा बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, मतलब कौन आपको कॉल कर रहा है उसका करंट पिक्चर आपके सामने शो होगा, कौन सा करंट पिक्चर किस तरह से शो होगा और कब आएगा ये फीचर्स, फुल डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल को, जिस तरह का एक टेक वीडियो क्रिएटर वर्सेस वीडियो, साथ साथ क्रिप्टो वर्सेस वीडियो में डेली आप लोगों के लाते रहता हूँ चैनल के अंदर 9 बजे डेली। कोई भी पर्सन अगर सिम खरीदने जाएगा, उनको एक वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, आधार बेसिस वेरिफिकेशन साथ ही साथ सिम बेसिस वेरिफिकेशन, ये दो वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही सिम कार्ड मिल सकता है ये फीचर्स आ जाने के बाद। सिम कार्ड लेते समय जो पर्सन सिम कार्ड को ले रहा है, मतलब जो सिम खरीद रहा है, उसका करेंट पिक्चर वहाँ पे कैप्चर किया जाएगा, और वही पिक्चर को जब आप उस नंबर से किसी को कॉल करिएगा, किसी भी पर्सन को, तो उस टाइम में उनका फोन के अंदर आपका वो करंट पिक्चर भी शो होगा, आप कहां से कॉल कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, वो सारा डिटेल शो होगा बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। बहुत ही बड़ा अपडेट है, और ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए कुछ इसी तरह का फैसला का बहुत जरूरी है। कॉल आते हैं तो उस टाइम में हम लोग आंख बंद करके कॉल को रिसीव करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट वो पर्सन कौन है, और पूछते रहते हैं हेलो, हाँ कौन है आप, नाम बताता है, और उसके बाद आपको बताया जाता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट आप कैसे पता करिएगा वो बैंक से बोल रहा है या कोई पर्सन आपके साथ फ्रॉड करने के लिए कॉल किया है, बट ये जो फीचर्स आने वाला है, इस फीचर्स में वो नंबर एग्जैक्ट किन का है, वो सारा डिटेल्स आपका फोन की स्क्रीन के अंदर ही शो होगा। टेलीकॉम अथॉरिटी का और आधार का ये एक साथ नया प्रयास है, ये सिस्टम को, ये जो फीचर जब चालू हो जाएगा, कुछ इसी तरह से आप सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं आज के इस डिजिटल टाइम में। आज के ये टेक वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ इस तरह का ये अपडेट अगर आप रेगुलर चाहते हैं, मतलब डेली आपको अपडेट मिलना चाहिए, तो उस टाइम में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं किसी नया टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम अपडेटिंग वीडियोस।